हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन की एक और वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपन पूरी बिगिनर्स गाइड बना रहे हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट गेम मोड है और वो है मोस्ट वांटेड। ठीक है, तो ये है हमारे मोस्ट वांटेड्स। ठीक है ना, होता क्या है मोस्ट वांटेड गेम मोड में कि हमें 3 विलेंस दिए जाते हैं और हमें इस विलेंस को फिनिश करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें होते हैं ये 600 तो अपने स्क्वाड एक्सपीरियंस, शायद स्क्वाड एक्सपीरियंस मान लो या जो भी मान लो, वो जो स्क्वाड एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है ना, इससे अपनी वो बनती है, स्क्वाड की एक्सपीरियंस बढ़ता है, अपना स्क्वाड का लेवल बढ़ता है। ठीक है ना, हीरो का लेवल नहीं, स्क्वाड का लेवल ध्यान रखना। और दूसरा मिलता है अपन को ये क्या चीज़ है, ये है कोर स्लॉट कॉलर चेंजर, जो भी है। ठीक है ना, काम का मतलब अभी काम का नहीं है आपका, बाद में काम का आएगा जब आपके पास अच्छे खासे गियर्स होंगे ना, तो उनका कोर स्लॉट अगर आपको चेंज करना हो। ठीक है, और जब इन तीनों को आप डिफीट करोगे, तीनों को डिफीट करना पड़ेगा, तीनों को डिफीट करने पे आपको एक बोनस रिवॉर्ड भी मिलेगा। उस बोनस रिवॉर्ड में से आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये सेलेक्ट करता हूँ कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट्यूम्स अपग्रेड करने के लिए कम कॉस्ट्यूम बॉक्स रहते हैं, तो इसमें मैं कॉस्ट्यूम्स लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा इसमें मेरे हिसाब से कॉस्ट्यूम ही है। दूसरा शायद ये नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये दूसरा ही अच्छा है। एंटी कन्वर्जियम क्या, कन्वर्जियम ओनली, कन्वर्जियम पार्टिकल्स, बस यही दो अच्छे हैं। उसके बाद फिर ट्रेनिंग टिकट आ जाती है, बाकी कोई सभी अच्छा नहीं है। तो ये तो होते हैं मोस्ट वांटेड के बारे में। होता क्या कि आपको 3 विलन्स दिए जाते हैं। अब ये तीनों विलन्स आपके लेवल के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है ना, जो ही नहीं कि ये जो मेरे दिखाए वही आपको दिए जाए, कुछ भी दे सकते हैं, आपके लेवल के हिसाब से ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अगर देखना चाहते हैं और क्या होगा इस मोस्ट वांटेड में, तो मोस्ट वांटेड में 3 तो आपको डिफीट करने के लिए दे दिए, पर आप डेली के, ठीक है ना, आप डेली के आपको 7 नॉर्मल डिफीट करने होते हैं और 2 प्राइम टारगेट डिफीट करने होते हैं। अभी नॉर्मल और प्राइम टारगेट में क्या अंतर है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जैसे कि हम मोस्ट वांटेड में गए, ठीक है, एक ऑप्शन तो आपको ये दिख रहा है, एक ऑप्शन तो आपको ये दिख रहा है टुडेज टारगेट, और एक ये है मोस्ट वांटेड। इस मोस्ट वांटेड पर टैप करें, टैप करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 3 स्टार्स का, ये देखो ये 3 स्टार बने, ये प्राइम टारगेट्स होते हैं, और जो बाकी बचे हुए ये सब नॉर्मल टारगेट हैं। अब ये आपको कभी दिख रहे होंगे, क्यों, क्योंकि न्यू स्टार सिटी के हैं। आप ऊपर देखिए साइड में, ऊपर साइड में देखिए, तो ये न्यू स्टार सिटी के बगल में आप क्लिक करेंगे, देखो हाइड्रा एम्पायर, जंडात, मिडगार्ड, सकार, डॉग डोमेन, सब के हैं। अब मेरे पास किसके हैं, मेरे पास है डार्क डोमेन के। देखो मैं डार्क डोमेन पर क्लिक करूंगा, टैप, देखो ये प्राइम टारगेट पहले मैप का, ये दूसरे मैप का प्राइम टारगेट, ठीक है, ये तीसरे मैप का टाइम टारगेट है लल्क, ये चौथे मैप का टाइम टारगेट ग्रूट, ये पांचवें मैप का टाइम प्राइम टारगेट मफिस्टो, ये देखो ये मुझे मिला है नॉर्मल टारगेट, नॉर्मल टारगेट, ये 6th मैप का डेमन बेयर, और ये 7th मैप का हेला, ठीक है। और देखो मुझे ये भी मिली है क्वीन ऑफ लाइज, ठीक है, और ये भी मिला था सिन स्वेलवर, जिसको मैंने डिफीट कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको डिफीट कर दिया है, ये देख लो मोस्ट वांटेड में, सॉरी मोस्ट वांटेड के अंदर, यहाँ पर टुडेज टारगेट में, टुडेज टारगेट में देखो डिफीट कर दिया, तो मुझे क्लेम करने के लिए रिवॉर्ड मिल गया, यही है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो आप जब खेल रहे होंगे गेम को, जब आप नए नए गेम में खेल रहे होंगे, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपको हो सकता है आपके लेवल के हिसाब से हार्ड टारगेट दे दे और आप उसे डिफीट ना कर पाए। तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपन से कम लेवल वाली चीज़ ढूंढनी है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आप 2 कैरेक्टर से एक साथ खेल रहे हो, तो आप सेलेक्ट करो कैरेक्टर्स और आपसे कम लेवल का जो भी हो, जैसे कि मान लो मेरा स्टार लॉर्ड अभी 110 लेवल का ही है, कॉम्बैट पावर भी इसकी कम है, तो मैं इसके पास जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है ना, देखो बता रहा हूँ, सी अब आपको मोस्ट वांटेड मिलते हैं, मोस्ट वांटेड आपको मिलते हैं इस रॉकेट रकून के पास में, तो आप इस रॉकेट रकून पे क्लिक करो, यस, देखो ये बता रहा है मोस्ट वांटेड के बारे में, इस पर क्लिक करो। अब मुझसे, मेरे डॉक्टर स्ट्रेंज की मेरी इतनी पावर नहीं है कि मुझसे ये मर पाए, क्वीन ऑफ लाइज, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैं लोगों से हेल्प मांगी, पर कोई भी लोग नहीं था, मैं रात को खेलता था, ठीक है ना, 8:30 बजे के बाद सब लोग खेलते हैं और 11-12 बजे के आसपास सब सोने लग जाते हैं, और मैं खेल रहा हूँ रात के 2-3 बजे, या फिर अभी सुबह सुबह खेल रहा हूँ, तो मुझे कोई मिल नहीं रहा हेल्प करवाने के लिए, या फिर हो सकता है कि सब लोग इतने हाई लेवल के हैं कि सब लोगों को यही मारने हैं और मुझे इससे छोटे लेवल का कोई मारना है जिसको कोई मारने वाला है ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ऐसे छोटे लेवल के बंदे पे आना, जैसे कि मैं स्टार लॉर्ड पे 110 लेवल पे, और मुझे इस रिफ्रेश लिस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस रिफ्रेश लिस्ट पे क्लिक करूंगा, ये सारे के सारे रिफ्रेश हो जाएंगे और चेंज होकर आ जाएंगे। अभी ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस पर क्लिक पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है ना, और मैं इस पर क्लिक क्यों कर चुका हूँ वो, हाँ, और एक चीज़ और बताना भूल गया, रिफ्रेश लिस्ट पे एक ही बार क्लिक कर सकते हैं, हर रोज एक दिन, मतलब हर रोज एक ही फ्री मिलता है, ठीक है ना, 8:30 के बाद आपको एक ही फ्री मिलेगा, फिर आप फ्री नहीं कर सकते, फिर आपको अगले दिन 8:30 बजे के बाद फिर से एक फ्री मिलेगा, हर रोज एक ही फ्री मिलता है, ठीक है, ये चीज हो गई। तो
ये तो हो गया। उसके अलावा मोस्ट वांटेड, हाँ एक चीज और, हाँ एक चीज बताना और भूलिया मैं, मोस्ट वांटेड के अंदर जैसे कि आपको नॉर्मल सुपर विलेन मिले हैं, कभी कभार आपको प्राइम सुपर विलेन भी मिलते हैं। यहाँ पे प्राइम टारगेट मिलता है आपको, यहाँ भी कई बार दो दो भी मिलते हैं, मुझे एक बार दो मिले हैं ठीक है ना, बाकी एक आपको हर दूसरे या तीसरे दिन मिल जाएगा। प्राइम टारगेट्स कौन से हैं, वही ऑपरेशन में जाओ, मोस्ट वांटेड में जाओ, इसमें जाओ ठीक है, और इसमें मान लो ये डार्क डोमेन सकार के देख लो, मान लो आप सकार पे हो तो एरिमजोना मिल जाएगा, एरिज मिल जाएगा ठीक है। और प्राइम टारगेट्स के आपको वो भी ज़्यादा मिलेगा, स्क्वाड एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मिलेगा उससे, और उससे एक रिवॉर्ड भी मिलेगा और एक चेस्ट भी मिलेगा। वो चेस्ट क्या करता है ये तो मुझे पता नहीं है, पर वो चेस्ट मिलता जरूर है, मैं आपको वो चेस्ट दिखा देता हूँ स्टोरेज में, ये रहा वो चेस्ट, प्राइम टारगेट को मारने के लिए ये चेस्ट मिलता है, जिसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो ये आप पढ़ लीजिए, कुछ खास ऐसी खास चीज़ें नहीं है, पर प्राइम टारगेट को मारने के ये चीज़ें मिलती हैं ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दूसरी चीज, मोस्ट वांटेड में जब आपको जो तीन टारगेट मिले हैं वो आपने मार दिए, हो सकता है वो नॉर्मल टारगेट हो सकता है वो प्राइम टारगेट हो, उसके बाद आपको तीनों क्लेम करोगे तो आपको मिलेगा बोनस रिवार्ड, जिसमें आप इसको क्लेम कर लोगे। उसके अलावा मोस्ट वांटेड के अंदर क्या है, आप यहाँ देखिए नीचे नीचे, यहाँ पे आपको दिखा है नॉर्मल टारगेट रिवॉर्ड काउंट और प्राइम टारगेट रिवॉर्ड काउंट, मतलब आपको हर रोज 7 नॉर्मल टारगेट मारने हैं और 2 प्राइम टारगेट मारने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल टारगेट मुझे 0 बचे हैं, यानी कि मैंने सातों के सातों मार लिए आज के, पर प्राइम टारगेट मेरा अभी भी एक बचा हुआ है ठीक है ना। अब मैं अपनी कॉम्बैट पावर देखता हूँ, मेरी कॉम्बैट पावर अलाउ अराउंड 13 लाख है, मतलब मैं अभी आराम से ऑटो पे ठीक है ना, मैं ऑटो पे छोड़ जाऊँगा और लॉफी को मैं मार सकता हूँ बड़े आराम से, पर क्योंकि लॉफी को मारने मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको मिडगार्डिया का एक दिखा देता हूँ। मैं मिडगार्डिया का ही क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है, चलो वो आपको बताया जाता है। सबसे पहली बात, मैं प्राइम टारगेट मारने की बात क्यों कर रहा हूँ, रिवॉर्ड्स की बात क्यों कर रहे हैं, ध्यान रखें नॉर्मल टारगेट्स को मिलना मारने के, जिनके ऊपर ये स्टार नहीं है, ध्यान रखना इन टारगेट्स को मारने के आपको मिलते हैं कार्ड्स। कार्ड्स क्या काम आते हैं, कार्ड्स आपके कैरेक्टर को अपग्रेड करने में काम आते हैं। आप जैसे हीरोज में जाके देखोगे ओमेगा कार्ड्स, ये देखिए मेरे पास सारे के सारे 6 स्टार है, 1 5 स्टार है, ये कार्ड आपके हीरो को अपग्रेड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपको देते हैं स्टैट्स, कैसे देखो इसने मुझे अटैक दे रखा है, डिफेंस पीयर्स दे रखा है, ये दे रखा है, क्रिटिकल डैमेज दे रखा है, कूल डाउन डिक्रीज दे रखा है, तो इनसे आपको कार्ड्स मिलते हैं ठीक है ना। तो नॉर्मल टारगेट को मारेंगे आपको क्या 1 से 2 स्टार आपको लगभग कार्ड मिल जाएंगे, और उन 1 से 2 स्टार कार्ड्स को आप फिर अपग्रेड करेंगे, 5 1 स्टार लेके 2 स्टार बनाएंगे, फिर 1 2 स्टार को 5 2 स्टार लेके 3 स्टार बनाएंगे, ऐसे करके आपको उन्हें 6 स्टार करना होगा, तो वही होता है। तो इन नॉर्मल टारगेट्स को मिलने के डिफीट करने के तो मिलते हैं कार्ड्स, तो आप नॉर्मल टारगेट रोज 7 बार मारोगे तो आपको कम से कम 7 1 स्टार्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर किस्मत अच्छी होती है तो कई बार आपको 2 कार्ड मिलते हैं, वो दोनों कार्ड 1 स्टार भी हो सकते हैं, वो दोनों कार्ड 2 स्टार भी हो सकते हैं। 3 स्टार तो आज तक कभी नहीं मिला है मुझको तो, और शायद मिलता भी नहीं है ठीक है ना, वरना आप इसमें देख सकते हो, देखो ये रिवॉर्ड्स देखते हैं, रिवॉर्ड्स पर क्लिक करके देख लो क्या मिलता है, 1 से 2 स्टार एक्वायर्ड सेटराइड, ये कार्ड का वो है साइन ठीक है ना, ये बॉक्स कार्ड का होता है जो ऐसा चौकुट्टा सा होता है ठीक है ना। मैं जिन नॉर्मल टारगेट्स को मारता हूँ वो ज़्यादातर होते हैं मिडगार्डिया के कौन से होते हैं, लास्ट लास्ट वाले होते हैं ये, तो देखो इनको मारने पे भी मुझे 1 से 2 स्टार ही मिलता है, इनको मारने भी 1 से 2 स्टार मिलता है, किसी को मारने पे डार्क डोमेन के आखिरियों को मारने पे कुछ मिलता है खास, सबसे 1 से 2 स्टार ही मिलता है, आप देख सकते हैं। वैसे ये 1 से 2 कैन बी एक्वायर्ड है, 1 से 2 स्टार नहीं लगा है यहाँ पे, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो हो जाती है, इतना बड़ा गेम है, जिस बंदे ने ये बनाया होगा, मतलब जिस बंदे को भी ये वर्क मिला होगा, हो सकता है वो भूल गया, उसे बहुत सारा काम करने को दिया गया हो ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, प्राइम टारगेट, आपको 2 प्राइम टारगेट मारने होते हैं, तो प्राइम टारगेट मारने की आपकी सबसे बेस्ट चीज है, आपको मिलते हैं ये ग्रीन वाले 3 स्टार्स कार्ड बॉक्सेस ठीक है ना। अभी ग्रीन वाले तो सिर्फ मुझे मिल रहे हैं, अगर आप छोटे प्राइम टारगेट्स को मारोगे जैसे कि किंग पिन को, तो आपको 5 मिलेंगे, पर मिलेंगे यही, जिनके अंदर आपको ओमेगा मतलब चांसेस कम होंगे 2 स्टार आने के, इसमें 1 स्टार वाले ही मिलेंगे ठीक है ना, लेकिन मिलेंगे 5, ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखें प्राइम टारगेट आपको रोज जो भी रोज के 2 मारने, ये आपको रोज के 2 मिलते हैं ना, ये देखो 7 नॉर्मल है, प्राइम रोज के 2 हैं, तो जो भी 2 मारने उसमें हो सके तो फर्स्ट आने की कोशिश करें ठीक है ना। अब आप देख सकते हो मेरी 13 लाख पावर है, मैं अच्छे खासे रूप से हैला या डेमन बियर तो नहीं, चलो मान लो आराम से वो वॉर मशीन या इसको क्या कहते हैं वॉर मशीन या डोरमामू को आराम से मार सकता हूँ अगर मैं खेलूँ तो, ऑटो पे ना खेल के इसको खेलूँ तो, पर मैंने नहीं मारता, क्यों, क्योंकि चांसेस होता है कि डार्क डोमेन जब आता है तो कोई मुझसे ही पावरफुल बंदा आएगा और वो आके फटाफट इस डार्क डोमेन में डोरमामू को मार देगा, और अगर इसने डोरमामू को मार दिया तो उसे फर्स्ट रैंक मिल जाएगी, मुझे सेकंड रैंक मिलेगी, कैसे मिलेगी रैंक, जो ज़्यादा डैमेज करेगा उसे, तो आके वो ज़्यादा पावर का है वो ज़्यादा डैमेज करेगा तो उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, मैं कम डैमेज करूँ तो सेकंड रैंक मिलेगी, तो मुझे कितने मिलेंगे, 2 ही बॉक्स मिलेंगे, और उसे कितने मिलेंगे, उसे मिलेंगे 3 बॉक्स, और 3 बॉक्स का मतलब उसे 1 कार्ड ज़्यादा मिलेगा, और क्योंकि ये ग्रीन वाले कार्ड हैं इसका मतलब इसके अंदर 2 स्टार आने के और 3 स्टार कार्ड आने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है ना। ग्रे वाले कार्ड से ग्रीन वाला कार्ड ज़्यादा अच्छा होता है,
और ये ग्रीन वाले कार्ड तीन की जगह मैं कितने भी लूंगा दो ही ले पाऊंगा, मतलब मेरे को एक वन स्टार कार्ड तो मेरा एक कम से कम नहीं आएगा। वैसे चांसेस यही होते हैं कि इसमें टू स्टार तो निकलता ही निकलता, तो मेरा एक टू स्टार कार्ड कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं हमेशा प्राइम टारगेट वो लेता हूँ जिसको कोई नहीं खेल रहा हूँ। अभी मेरा प्राइम टारगेट लॉफी है, क्यों? क्योंकि मैं उसे ऑटोमेटिकली किल कर सकता हूँ, ऑटो पे किल कर सकता हूँ, मतलब मैं उसे लॉफी को डैमेज पे लगा के, मतलब ऑटोमेटिक किल पे लगा के चला जाता हूँ आराम से अपनी पढ़ाई करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, पानी वानी पीता हूँ, कुछ भी करता हूँ, और ऑटोमेटिक से जब वापस आता हूँ तब तक लॉफी मर चुका होता है और मैं डेड भी नहीं होता हूँ। वैसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि मैं चला जाता हूँ और मान लो कोई मुझसे पावरफुल बंदा आ गया तो वो उसे मार के चला जाता है और मुझे पूरे चेस्ट नहीं मिलते, मुझे दो ही चेस्ट मिलते क्योंकि मेरी रैंक 2 होती है और उसकी रैंक 1 हो जाती है। बहुत गुस्सा आती है मुझे इस चीज़ पर। ठीक है, तो यही है। अब आप सोच रहे होंगे कब ये ग्रे से ग्रीन कार्ड हो जाते हैं, ये होते हैं जंडात के बाद। ठीक है ना, जंडात में देखो अभी भी आपको 5 ही मिलेंगे पर ग्रे वाले मिलेंगे। ठीक है ना, इसके एंड में भी आप जाते हो, सॉरी ये नहीं, ये तो आपको ग्रे वाले मिलेंगे, पर जैसे ही आप आओगे मिड गार्डिया में, सो इसका पहला भी क्रॉस बोन भी आपको एक ग्रीन चेस्ट देगा, वो भी 3। ठीक है, तो प्राइम टारगेट्स आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा मारना है, और मैं यही कहूंगा कि हमेशा उसमें फर्स्ट ही आए। फर्स्ट आएंगे आपको ज्यादा कार्ड्स बॉक्स मिलेंगे, ज्यादा कार्ड बॉक्स मिलेंगे, आप ज्यादा अच्छा अपग्रेड कर पाओगे। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई पावरफुल बंदा मार रहा है उसमें जाके बस एक बार टैग कर दीजिए, मतलब एक स्किल चला दीजिए ही उस पर विलन पे प्राइम टारगेट पे, और जो पावरफुल बंदा है वो उसे पूरा मार देगा और आप उसके बाद वाई रैंक पे आ जाओगे, सेकंड वाई रैंक पे। और दो लोग मार रहे हैं तो आप थर्ड रैंक पे आ जाओगे, और अगर तीन लोग मार रहे हैं तो आप फोर्थ रैंक पे आ जाओगे, वो देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो आप अपना खुद का प्राइम टारगेट निकालें और निकालने के बाद उसे मारें। अब वैसे तो मैं लॉफी को मारता हूँ क्योंकि मुझे आपको फटाफट दिखाना है कि प्राइम टारगेट को कैसे निकाला जाता है, प्राइम टारगेट निकाला जाता है, ध्यान रखना। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो मुझे पता है कि क्रॉसबोन से मुझे 3 स्टार मिलेगा, वो भी ग्रीन वाला, तो क्रॉसबोन अच्छा है मैं उसे मार सकता हूँ, तो मैं इसके सी लोकेशन पर क्लिक करूंगा। ठीक है ना, आप किसी भी प्राइम टारगेट की लोकेशन पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको मारना है। ठीक है ना, तो मैंने मान लो इस पे किया क्रॉसबोन पे, सी लोकेशन पे क्लिक, ये मैप आ गया, मैं इस मैप पे टैप करूंगा कहीं भी, और ये मुझे बोलेगा कि आपको इस जगह पे जाना है, मैं कहूंगा ओके हाँ मुझे इस जगह पे जाना है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसने मुझे यहीं पे टेलीपोर्ट करवा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे तो क्रॉसबोन नहीं है, बिल्कुल सही कहा, क्रॉसबोन यहाँ नहीं होगा, आपको उसे स्पॉन करना होगा, आपको उसे निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले इस मैप पे क्लिक करेंगे जो आपके लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, इस मैप पर टैप किया, यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉसबोन के आने के 30% चांस है। ठीक है, अब 30% चांस कैसे बढ़ाए जाएंगे, वो होंगे नॉर्मल विलन्स को मारने पे, तो हम नॉर्मल विलन्स पे किसी पे भी एक पे टैप करेंगे, टैप, और ये यहाँ पे चलने लग जाएगा। चलेगा कैसे, ध्यान रखना ये ऑटो हमेशा ऑन होना चाहिए, ये ऑटो ऑन नहीं होगा तो शायद नहीं जाए। ठीक है ना, ऑटोमेटिक ऑन रखें और फटाफट जाएँ, और इससे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जाएँ ये वाली चीज़ से। ठीक है, तो हम फटाफट जा रहे हैं, टड़ा टा टड़ा, फास्ट फास्ट फास्ट, और हम इस नॉर्मल टारगेट पे पहुंच गए और हम इसको फटाफट डिफीट करेंगे। ठीक है ना, एक नॉर्मल टारगेट को डिफीट करने के हमें, वाह, क्रॉसबोन आ भी गया। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हैं क्रॉसबोन स्पॉन होगा 1 मिनट में। मान लो आपने तीनों टारगेट को मारा तो होगा क्या, इसके परसेंटेज बढ़ेंगे, शुरू में क्रॉसबोन 30% था, फिर एक को मारने पे हो जाएगा 35%, फिर इसको मारने पे आ जाएगा 40% आने के चांसेस, और फिर इसको भी मारोगे तो आपको आ जाएगा 45% चांस हो जाएगा क्रॉसबोन के आने का, पर वो आया नहीं है, चांस है 45% चांस, यानी कि मतलब ये है कि आप अगर आप मतलब 45 मतलब 50 मान लो तो ऐसा चांस है, 50-50 चांस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अब मान लो आपने ये पूरा किया लेकिन क्रॉसबोन तीनों को मारने पे नहीं आया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको चैनल दिख रहा है, आप इस चैनल को चेंज करोगे। मान लो आपने इस पर टैप किया, ये चैनल आ रहे हैं, हर मैप के 3 चैनल हैं, हर तीन चैनल क्यों दिए गए हैं, मान लो एक ही मैप में बहुत सारे लोग घुस गए, मान लो 50 लोग घुस गए तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं हो जाएगा ये एरिया, 50 लोग एक ही काम कर रहे हैं तो गेम थोड़ा हैवी हो जाता है, गेम सह नहीं पाता है एक ही चैनल में इतनी सारी चीज़ें, तो ये मान लो ये सर्वर्स हैं एक तरह के हर मैप के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सर्वर अभी स्मूथ है, मतलब इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, पर मान लो ज़्यादा लोग आ जाएँ तो आपको अपने आप गेम चैनल 2 में डाल देगा। ठीक है ना, लेकिन आपको इस तरीके इसको कैसे यूज़ करना है, आपको इसको इस तरीके से यूज़ करना है, हाँ ये मुझे मारने वाला है, दूर हटो। ठीक है, हाँ, तो होना क्या कि आपने तीनों सुपर विलेंस को नहीं, नॉर्मल विलेंस को मारा, क्रॉसबोन नहीं निकला, आप क्या करोगे, चैनल पे जाओगे और चैनल 2 पे क्लिक करके मूव कर दोगे। अब आप चैनल 2 में पहुंच गए। ठीक है, चैनल 2 में आराम से आप देखोगे पूरा मैप सेम है पर चीज़ें अलग होंगी। यहाँ पे देखो, आप पहली चीज़ देखेंगे तो देखो क्रॉसबोन के आने के 45% चांस है। ठीक है ना, और मान लो ये एक वो है नॉर्मल विलेन और उसको मैं मारता हूँ, कहाँ, ये नॉर्मल विलेन यही है क्या, ये नहीं था, सॉरी, हाँ वो वाला, ये रहा। ठीक है, इस नॉर्मल विलेन को मैंने मारा, ये मैंने इसको, इसमें भी क्रॉसबोन आ गया,
अजीब ही किस्मत चल रही है मान लो, ठीक है। अब मान लो आपने इसमें भी सुपर विलेंस को मारा और क्रॉसबोन इसमें भी नहीं आता है, तो आपके पास अभी एक और चैनल है थ्री, पर इस थ्री चैनल पे आप तुरंत नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमेशा एक चैनल से दूसरे चैनल में जाने पे आपको 1 मिनट का पेनल्टी मिलती है। अब जैसे मैं इसमें मूव करूँ तो देखो अभी मेरे 14 सेकंड बाकी हैं, 1 मिनट की पेनल्टी मिली थी जिसमें 12 सेकंड अभी भी बाकी है मुझे चैनल थ्री में जाने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको ठीक करना है तो आप कुछ भी नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट ओमेगा फ्लाइट में जाएं, देखिए यहाँ पे नीचे दिख रही है ओमेगा फ्लाइट, इस ओमेगा फ्लाइट पर क्लिक करके ओके करें, फिर वापस इसी मैप में आएँ और फिर फर्स्ट से टू में जाने के बजाय डायरेक्ट थ्री में चले जाएँ, ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये मैं अभी चैनल थ्री में गया, ठीक है ना, चैनल थ्री में गया चढ़ा, और यहाँ पर मैं देखता हूँ मैंने मैप में देखा और मान लो क्रॉसबोन के 30% चांस है, मान लो यहाँ क्रॉसबोन मरा हुआ है, मरा हुआ होगा तो क्या होगा कि मान लो किसी ने क्रॉसबोन को अभी भी मारा है तो वो 30 मिनट के कूल डाउन पर चला जाएगा, उस वक्त इस मैप के अंदर कोई भी प्राइम टारगेट नहीं आएगा, कोई भी मतलब इस मैप में तो क्रॉसबोन ही आता है, तो क्रॉसबोन नहीं आएगा 30 मिनट्स तक, आप चाहे कितने भी सुपर विलेंस को मान लीजिए क्रॉसबोन नहीं आएगा और उसके परसेंटेज भी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्रॉसबोन नहीं है, तो अब आपको पता लगा कि आपके फर्स्ट मैप में क्रॉसबोन है, थर्ड मैप में नहीं है, तो आपको फटाफट फर्स्ट मैप में जाना है। आप फर्स्ट मैप पे गए, आपने क्लिक किया और आपको दिख रहा है 23 सेकंड का कूल डाउन, आप फटाफट मैप में जाएंगे, यहाँ ओमेगा फ्लाइट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओमेगा फ्लाइट में आप पहुँच गए, यहाँ से आप फिर से इस पर जाएंगे, ठीक है, और अपने इसमें जाके आप वर्ल्ड मैप पर जाएंगे, क्योंकि आपको याद है कहाँ पर जाना है, मिडगार्डिया में जाएंगे और पहले मैप के अंदर आता है क्रॉसबोन, ये रहा पहला मैप एसगार्डियन, मैं एसगार्डियन सेटलमेंट पर क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ एसगार्डियन सेटलमेंट पर हम क्लिक करके इस पर गो कर सकते हैं। आपको नहीं पता है आपको एसगार्डियन सेटलमेंट में जाना है, आप यहाँ 3 बिंदु बनाएंगे, ऑपरेशन में जाएंगे, मोस्ट वॉन्टेड में जाएंगे, अपना मोस्ट वॉन्टेड यहाँ है तो यहाँ देखेंगे, नहीं तो यहाँ जाएंगे मिडगार्डिया में जाएंगे और इसी लोकेशन पर क्लिक करके इस पर करके ओके कर देंगे। आप जैसे यहाँ पे पहुँचे आप देख रहे हैं आपका क्रॉसबोन है, लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रॉसबोन दिख जाएगा, ठीक है। अब आपने क्रॉसबोन को मारना स्टार्ट किया, ठीक है ना, मैं आराम से इसे ऑटो पे मार सकता हूँ, तो मैं आराम से ऑटो पे जाऊँगा, तो आराम से ऑटो पे इसे मारूंगा। तो अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ, समरी बताता हूँ, ठीक है। समरी में यह है कि सबसे पहले आते मुझे भी नहीं पता था कि प्राइम टारगेट्स उस दो को मारने होते हैं, तो इसे मैंने किंग पिन को कभी नहीं मारा, ठीक है। जब मैंने इस गेम को लगभग 3 हफ्ते खेल लिया था, तब मुझे पता लगा कि प्राइम टारगेट्स रोज़ आपको 2 मारने को मिलते हैं जिससे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैं तब तक इतनी पावर का हो गया था कि मैं डायरेक्टली रेड स्कल को मार सकता था ऑटो पे, तो मैंने रेड स्कल्स को ही मारना स्टार्ट किया था, ठीक है। रेड स्कल को जब मैंने मारना स्टार्ट किया था तब मेरी पावर शायद 250 या 300 के आसपास थी, उसके बाद जब मेरी पावर अराउंड 350 या 400 के आसपास हो गई, 400 के 400 से प्लस हो गई, तब मैं ऑटो पे मारता था इसको येल्लो जैकेट को, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि मुझे ये रिवॉर्ड मिल गया 3, ठीक है ना। ये रिवॉर्ड आपके कहाँ पड़े होंगे, ये आपके इन्वेंट्री में पड़ा हुआ ट्रैप, और ये आपके इन्वेंट्री में 3, यहाँ पे लिखा भी होगा क्रॉसबोन के ओमेगा कार्ड्स कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है, 3 मुझे मिल गए हैं। तो वो ये आप चाहो तो इसे अभी क्लेम कर सकते हो, चाहो तो बाद में, मैं अभी क्लेम करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादातर लॉफी के लेने होते हैं हर रोज, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैंने यूज़ किया और देखिए आपको एक रेयर कार्ड मिला है, देख रहे हो आप, एक रेयर कार्ड है और 2 स्टार के 2 कार्ड हो रहे हैं, आपको 3 कार्ड मिले 2 स्टार्स के, वहीं पे आपको कितने मिलते हैं, 1-1 स्टार के मिलते हैं, और अगर आप प्राइम टारगेट खेलते ही नहीं हो तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो प्राइम टारगेट रोज़ 2 खेलें और हो सके तो ग्रीन वाला खेलें। हाँ, अब मैं आपको कुछ समरी दे रहा था, समरी ये है कि फिर 400 के आसपास मैं येलो जैकेट का प्राइम टारगेट कंप्लीट करता था, उसके बाद मेरी स्किल डायरेक्ट 400 से 600 के आसपास हुई, तब मैंने लौकी को करना स्टार्ट किया, फिर मेरी 800 के आसपास हुई, फिर लौकी के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया मिडगार्डिया को, मिडगार्डिया नहीं सॉरी मलेकित को, मेलेकित को स्टार्ट किया ऑटो पे, उसके बाद फिर मेरी 1 लाख के आसपास हुई, तब से मैं फैंडिस को कर रहा हूँ, फैंडिस को करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, शायद 4-5 महीने हो गए, और अभी अभी मैंने अपनी 1 लाख समथिंग हज़ार से 13 लाख, 1 लाख नहीं सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, सबसे पहले मेरी 3 लाख थी, तब मैंने हाइड्रा को मारा, हाइड्रा मतलब रेड स्कल को, 4 लाख पे मैं उसको मारता था येलो जैकेट को, 7 लाख 6 लाख 7 लाख पे मैंने लौकी को मारा है, 8 लाख के आसपास मैंने मलेकित को मारा है, 10 लाख के आसपास मैं फैनरिस को मारता था, और मैं फैनरिस को ही मार रहा हूँ कम से कम 3-4 महीने से, और अब मेरी 13 लाख हो गई है, और अब मैं लौफी को मारता हूँ ऑटो पे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अब मैं जल्दी इससे भी अपग्रेड होऊंगा, और लौफी के बाद मैं अगले पे जाऊंगा, अगले मोस्ट वांटेड को, और अगला मोस्ट वांटेड मेरा कौन सा होगा, यहाँ मोस्ट वांटेड पे टैप करता हूँ, और मिडगार्डिया का ही होगा क्या, मिडगार्डिया का आखिरी लौफी है, हाँ लौफी है, तो अब मैं जाऊँगा अगले सकार पे, और सकार का पहला स्टार्ट करूँगा, यानी अर्निम जोला मेरा ऑटो पे आया करेगा, ठीक है, पर अभी नहीं, थोड़ी और मैं पावर बढ़ाऊंगा, शायद 14 लाख के आसपास तब मैं करूंगा ये काम। तो यही है, ध्यान रखें हर रोज़ आपको मोस्ट वांटेड प्राइम टारगेट
दो मिलते हैं, उससे आपको कार्ड्स मिलते हैं, मतलब बॉक्सेस मिलते हैं, चेस्ट मिलते हैं जिससे आपको कार्ड्स मिलते हैं। आप चाहे तो चेस्ट को बचा के भी रख सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैं रोज लॉफी को मारता हूँ, मैं लॉफी के चेस्ट बचा के रख रखे हैं। ये वाला होगा 48 वाला, ये ओमेगा रिलेटेड टू फेनरिस, नहीं फेनरिस का है, फेनरिस मैंने अभी भी छोड़े ना, ये लॉफी के ये होंगे। यस ये रहे 39 एज यू कैन सी, ठीक है। तो वो ये मैं लॉफी को ऑटो पे खेलता हूँ और आराम से लॉफी के कार्ड्स मैंने इकट्ठे करके रख रखे हैं। क्यों इकट्ठे करके रखे हैं कि डायरेक्ट मैं करूँगा। देखो दो 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 स्टार कर करके तीन स्टार बनाऊं, फिर बहुत सारे दो स्टार करके बहुत सारे तीस स्टार बनाऊं, फिर तीस स्टार को फोर स्टार करूं, ये मुझसे नहीं होता है। डायरेक्ट इनको 100-200 रखता हूं मैं, एक बार पकड़ता हूं किसी भी वन स्टार टू स्टार या थ्री स्टार के रेयर स्पेशल कार्ड को, डायरेक्ट उसे डायरेक्ट 5 स्टार या 6 स्टार पहुंचाता हूं। कैसे? इन सारे बॉक्सेस को एक साथ लाता हूं। अभी मेरी बिल्डअप वीडियो में आप देखोगे, मैं 6-7 महीने पुरानी बिल्डअप वीडियोस कुछ पड़ी हुई हैं, अभी मैं दिवाली पे वही डालने वाला हूं क्योंकि दिवाली पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं वही पुरानी वीडियोस डालूंगा। तो उसमें देखना मस्त एकदम, मैं चेस्ट सारे बचा के रखता हूँ, एक साथ अपग्रेड करता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये छोटा छोटा मुझे दिखता नहीं है। मेरे डायरेक्ट लाखों में बढ़ता है, फिर कॉम्बो बार बढ़ती है। अभी 13 लाख है ना, डायरेक्ट देखना अगली बार मिलेगी तो 14 लाख होगी, फिर अगली बार 15 लाख होगी, एक एक लाख बढ़ती है मेरी। और शुरुआत में तो दो दो तीन तीन लाख बढ़ती थी, अभी थोड़ा मुश्किल हो गई है अपग्रेड करना। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये है बहुत वो लंबी होती जा रही है वीडियो। अब उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे जो नॉर्मल टारगेट्स है वो भी मैंने कंप्लीट नहीं करे हैं, जो मुझे मिले गए हैं टुडेज टारगेट। तो जैसे कि इस पे जाना है मुझे, नहीं ना, मुझे ऑप्सीडियन जाना है, ऑप्सीडियस को मारना है। अब एक तो यही है, मोस्ट वांटेड में जाओ, इसमें जाओ, आप ऑप्सीडियस को ढूंढो, भाई कहाँ पर है ऑप्सीडियस, कहाँ है ऑप्सीडियस, मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, अभी भी नहीं मिल रहा है। तो आप इससे अच्छा यही है, मोस्ट वांटेड पे जाओ, जिसको भी आपको मारना है उसका टुडेज टारगेट देखो, ज्यादा टुडेज टारगेट पे ही होता है, सी लोकेशन पे क्लिक करो, इस मैप में इस पर क्लिक कर दो, डायरेक्ट आप ऑप्सीडियस के मैप में होगे, ठीक है। और तुरंत हम इसको मारेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्सीडियस नहीं है, ठीक है ना, एक मफिस्टो और एक ये है गुलट। तो आप क्या करेंगे, चैनल चेंज करेंगे, दूसरे चैनल पे देखेंगे। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ भी और यहाँ ऑप्सीडियस है, देखो यहाँ पे चमक गया ना, ये देखो टुडेज टारगेट स्पॉन्ड, यहाँ पे स्पॉन्ड हो रखा है। देखो ये आपका मैप भी पीला पीला चमक रहा है, पीला पीला चमक रहा है, मतलब यहाँ पर है। मैप पे क्लिक करो, कहाँ है ऑप्सीडियस, ये रहा, यहाँ पे टैप कर दो, टैप करा, यहाँ पे हम निकल लिए चलने के लिए, फटाफट जाओ भागो यहाँ तेज, ठीक है, तुरंत तुरंत फटाफट से भागो, फटाफट से भागो, ये रहा ऑप्सीडियस, और तुरंत से हम इसे मारेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं मारता हूँ तब तक मैं आपको और चीज़ और बता देता हूँ। तो मोस्ट वांटेड आपको पता लग गया, डेली आपको नॉर्मल 7 मारने हैं और प्राइम 2 मारने हैं। नॉर्मल को मारने के आपको डायरेक्ट आग का वो मिलेंगे कार्ड्स, 1 स्टार या 2 स्टार, ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और ये 7 बार मिलेंगे, मतलब हर दिन आपको अगर 1 स्टार कार्ड भी मिलता है 7ों को मारने के, तो अगर 7 1 स्टार होंगे, मतलब आपके पास हर दिन 2 1 2 स्टार होगा, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल टारगेट हो गया, प्राइम टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, हो सके तो उसमें फर्स्ट आएँ और 2 प्राइम टारगेट हमेशा पार करें, ठीक है। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी आप क्रॉसबोन तक पहुँचें, ताकि आपको ग्रीन कलर के 3 चेस्ट मिले, ना कि ग्रे कलर वाले 5 चेस्ट। ग्रे कलर वाले 5 चेस्ट इतने अच्छे नहीं होते जितने ग्रीन कलर वाले होते हैं। उसके अलावा आप ये देख लें कि आप कौन से प्राइम टारगेट को ऑटो पे मार सकते हो। मैंने आपको समरी दे दी है कि मैंने कौन से कॉम्बैट पावर पे कौन से को मैं ऑटो पे मारता था, ठीक है। तो वो समरी मैंने आपको दे दी है, उस हिसाब से देख लें अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिले तो, वरना आप खुद निकालें ना, खुद निकालने में क्या जा रहा है। मान लो आपके पावर 1 लाख के आसपास है, खुद पहुंच जाए किसी के पास भी, मान लो उलिक के पास पहुंच जाए, उलिक को ऑटो पर लगा के छोड़ जाए, आप देखते हैं कि आप आके मर गए, इसका मतलब आप उलिक को नहीं कर सकते, आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा क्रॉसबोन पे। और आपने देखा कि नहीं, आपने उलिक को ऑटो पे मार दिया, तो फिर अगला पकड़े लोकी को, सिंपल सी बात है, ये होता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आज का एक और मोस्ट वांटेड मार दिया, देखो मैं क्लेम करने के लिए चीज़ मिल गई इसकी। अब लास्ट है ये क्वीन ऑफ लाइज, मैंने कुछ नहीं उसके सी लोकेशन पर टैप किया, मैप आया, मैप पर टैप कर दिया, मैं यहीं पर पहुंच गया डायरेक्ट, और देख सकते हैं आप कितनी 3 3 क्वीन ऑफ लाइज हैं। तो तुरंत अब ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन या टेलीपोर्टेशन वो होती है मशीन, इससे आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं। आप इसमें घुसे, आपको ये टिकट्स देनी होंगी, ये रही टिकट्स जो मेरे पास 48 है, और कहीं भी आप टेलीपोर्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ टेलीपोर्ट होना चाहता हूँ, मैंने वहाँ टैप किया और टेलीपोर्ट हो गया, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, और अब यहाँ जाऊँगा मैं, यहीं पे हमारी क्वीन है, यहाँ पे ये मैप है, मैप में यहाँ से सुपर विलेन देखते हैं इस चीज़ से, ठीक है ना। इस चीज़ से आपको ये दुकानें वकानें मिलती हैं, और इस चीज़ से आपको बाकी की चीज़ें मिलती हैं, जो फर्स्ट वाला है उससे बाकी की चीज़ें मिलती हैं, वो फर्स्ट वाला टैप नहीं हो रहा। तो ये आ गई हमारी क्वीन ऑफ लाइफ, फटाफट हम इसे भी मारेंगे। तो यही मेरे मोस्ट वांटेड के बारे में पूरी वो थी। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर मुझे आपको बताना था, क्योंकि मैं भी जब इस गेम को खेलना स्टार्ट हुआ था, मुझे भी नहीं पता था कि रोज आके आपको 2 प्राइम टारगेट मारने होते हैं। और उस वक्त तो प्राइम टारगेट कैसे आते पता भी नहीं लगता था, अब पता तो लगता है, आपको दिखता तो है मैप में। देखो ये रहा मैप, मैप में यहाँ पे जाओ, देखो प्राइम टारगेट हेल आने के 30% चांस है। इससे याद आया, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि अगर प्राइम टारगेट नहीं आने के क्या चांसेस है। जैसे मैंने अभी अभी क्रॉसबोन को मारा, मैं आपको बताता हूँ, क्रॉसबोन 30 मिनट के कूल डाउन पर चला गया है, अब वो चैनल 1 में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। मैं फटाफट से मारता हूँ और फिर मैं आपको वो चीज़ भी बताता हूँ, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्वीन ऑफ लाइस को ही मार लिया और मेरे तीनों मोस्ट वांटेड आज के कंप्लीट हो गए, मोस्ट वांटेड टू डेज मोस्ट वांटेड। ठीक है, मैंने क्लिक किया इस पे, ऑपरेशन पे क्लिक किया, मोस्ट वांटेड पे क्लिक किया। सबसे पहले इसको क्लेम करूंगा, देखो मुझे ये दोनों चीज मिल गई, इसको भी क्लेम करूंगा, यही मिली, इसको भी क्लेम करूंगा, यही मिल गया। मैंने तीनों को मार लिया तो अब मुझे मिलेगा ये क्लेम करने का मेन रिवार्ड, ग्रांड रिवार्ड, फाइनल रिवार्ड। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, और मैं तो हमेशा यूनिफॉर्म लेता हूँ, मैंने आपको बताया, तो मैं यूनिफॉर्म पर टैप करूंगा, टैप और सेलेक्ट कर लूंगा, और ये मुझे 5 यूनिफॉर्म के चेस्ट मिल गए, जो कहाँ पड़े होंगे मेरी इन्वेंट्री में। यहाँ आप देख सकते हैं इन्वेंट्री में ये पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट है। अब अगर आपको प्राइम टारगेट निकालना है तो उससे पहले देख लें कि वो प्राइम टारगेट आ सकता है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैंने अभी अभी क्रॉसबोन को मारा है चैनल 1 में, तो मान लो मैं क्रॉसबोन पे गया, यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे पता है क्रॉसबोन कहाँ मिलता है, मैं वर्ल्ड मैप में जाऊँगा, मिडगार्डिया के पहले मैप में होता है, मिडगार्डिया में गया और पहला मैप ये रहा एसगार्डियन सेटलमेंट, इसमें मैं गो करूँगा। यहाँ मैं आ गया हूँ, अब आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने अभी यहाँ क्रॉसबोन को मारा, तो मैं अब मैप में जाऊँगा तो देखो क्रॉसबोन क्या लिखा है, यहाँ वैनिश हो गया है 21 मिनट्स के लिए। वैसे ये 30 मिनट्स के लिए हुआ था, पर क्योंकि 9 मिनट्स मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई उसमें इसके ये 21 मिनट्स तक आ गया है। तो अगर क्रॉसबोन 21 मिनट्स के लिए गायब है, इसका मतलब 21 मिनट्स तक इस चैनल में तो नहीं आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ के सुपर विलन्स को ना मार के, मतलब मारे नहीं, क्योंकि आपका क्रॉसबोन प्राइम टारगेट नहीं आने वाला है। प्राइम टारगेट जिस मैप में आएगा उसमें लिखा होगा इतने परसेंट चांसेस के आने के। मान लो जैसे चैनल 2 में भी अपन ने निकाला था क्रॉसबोन, तो वहां पड़ा होगा अभी भी। इसमें मूव करता हूं मैं चैनल 2 में मूव किया, देखो यहाँ भी क्रॉसबोन है, आप तुरंत जाकर उसको मार सकते हो। जैसे इसको मारोगे 30 मिनट से कूल डाउन पे चला जाएगा, 30 मिनट तक कोई भी, तुम ही नहीं, पूरे के पूरे गेम में कोई भी नहीं ला सकता है उस मैप के अंदर, उस चैनल के अंदर प्राइम टारगेट क्रॉसबोन को। क्यों? क्योंकि वो 30 मिनट के लिए वैनिश पर है सबके लिए। ये गेम कम्युनिटी गेम है, इसमें सब एक साथ खेलते हैं, तो वो सबके लिए गायब हो जाता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो यही बात है। अब जैसे यहाँ तो वो था, अब मान लो आपको कोई प्राइम टारगेट चाहिए, मान लो आप ऑटोमेटिकली किसी को क्रॉसबोन को ही पार कर सकते हो। आपने देखा कि शिट चैनल 1 के अंदर तो वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, क्रॉसबोन, और चैनल 2 में पहले से ही क्रॉसबोन आ रखा है, पर उसे कोई मार रहा है। ठीक है ना, उसे कोई मार रहा है और आप उसका डैमेज अब आउट आउट वो नहीं कर सकते ना, उसके डैमेज से ज़्यादा डैमेज अब आप नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत टाइम से मार रहा था। ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर कोई कैरेक्टर को इनके 5 बार होते हैं और किसी ने उसके 3.5 बार से ज़्यादा खत्म कर दिए हैं, फिर आप डैमेज आउटपुट नहीं कर सकते, क्योंकि 3.5 बार मतलब खत्म करने का मतलब है, 3.5 बार से नीचे आने का मतलब है उसने 2.5 बार मार दिए हैं, तो 5 का 2.5 बार से ज़्यादा मार दिए मतलब वो आधे से ज़्यादा डैमेज कर चुका है, और अगर वो आधे से ज़्यादा डैमेज कर चुका है तो फिर आप आधे से ज़्यादा डैमेज करके भी मतलब नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि उसका डैमेज ही आधे से कम बचा है, और वो सारा का सारा भी अगर आप करोगे तब भी आप उसे फर्स्ट नहीं आ सकते। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको 3.5 से कम बार करने होंगे, यानी 2.5 से ज़्यादा बार खत्म करने होंगे। अब जैसे कि आपने देखा चैनल 1 में तो है नहीं क्रॉसबोन, चैनल 2 में कोई पहले से उसे मार रहा है जिसे आप वो नहीं कर सकते उसके डैमेज, तो आप चैनल 3 में जाएंगे, और चैनल 3 में जैसे आप जाके देखते हैं आप देखोगे कि आपके पास क्रॉसबोन 30% चांस आने के, आप फटाफट नॉर्मल विलन्स को मारोगे, क्रॉसबोन को स्पॉन करवाओगे और फिर क्रॉसबोन को मारोगे। गॉट इट? तो यही है पूरे मोस्ट वांटेड की ट्रिक्स। ठीक है, 7 नॉर्मल मोस्ट वांटेड, 2 प्राइम टारगेट्स, दोनों प्राइम टारगेट्स मारने को चेस्ट मिलेगा, इसलिए चेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए आप फर्स्ट आएँ, फर्स्ट आने के लिए आप ये तरीके अपनाएंगे, अपना पहले देखेंगे किसको आप मार सकते हैं ऑटोमेटिकली, और मारने के बाद आप किसको ऑटोमेटिकली मारने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, किसमें फर्स्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉमेंट बार के हिसाब से देखें, और 2 हमेशा उसे ही मारें जिससे आपको ज़्यादा चेस्ट मिलेंगे, ज़्यादा चेस्ट से आपको ज़्यादा कार्ड मिलेंगे, ज़्यादा कार्ड से आप ज़्यादा कार्ड अपग्रेड कर पाओगे और आपका लेवल ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, ज़्यादा कॉमेंट बार आपकी जल्दी बढ़ेगी। फू, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो ठीक है फिर आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मोस्ट वांटेड के बारे में अगर मैं कुछ भी मिस कर गया हूँ, कोई भी चीज़ मैंने नहीं बताई और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अब तो क्या ही बताऊँगा, 30 मिनट की वीडियो बना दी है, पर तब भी आप पूछ लेना, ऑफकोर्स मैं कुछ ना कुछ मिस कर जाता हूँ और कई बार चीज़ें रिपीट कर जाता हूँ, तो मैंने कुछ रिपीट कर दी और कुछ मिस कर दिया तो वो आप बता दें। तो ठीक है फिर, आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।